हाय फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस के सी लैंग्वेज पेपर की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स बताने की हम कोशिश करते हैं आपको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने से पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आपको, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो है दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक है मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली मशीन लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल्स विच आर इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। द मशीन लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इन बाइनरी जीरो एंड वन। ठीक है, ये तो हो गया मशीन लेवल लैंग्वेज आपका। देखिए, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल विच आर इन फॉर्म बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। द मशीन लैंग्वेज इज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इन बाइनरी 0 एंड 1। तो हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर केवल 0 और 1 डिजिटल सिग्नल की भाषा को समझता है, और उसके बाद अगर हम मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है, एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन इंस्ट्रक्शन। देखिए, आपके जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सबके लिए खुद का एक मशीन इंस्ट्रक्शन होता है, तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे में नहीं रन करेगा। ठीक है, तो ये इस डिसएडवांटेज है मशीन लेवल लैंग्वेज, और प्रोग्रामर्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है 0 और 1 में प्रोग्रामिंग करना। सो एक और इससे जो है मॉडिफाइड फॉर्म में आती है असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो डिफ़िकल्टीज हम मशीन लेवल लैंग्वेज में फेस करते हैं उसको रिड्यूस किया गया है, सम स्टेप्स बाय यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मशीन लेवल। यानी कि हम ये कह सकते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज
मशीन लेवल लैंग्वेज की मॉडिफाइड फॉर्म है। इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर गिवेन इन इंग्लिश लाइक मूव एड एटीसी। असेंबली लैंग्वेज जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ होता है मशीन लेवल लैंग्वेज का, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश वर्ड में, तो ये लिखने में प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है। तो इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीन लेवल लैंग्वेज की तुलना में आसान होता है। और इसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड द फीचर्स ऑफ प्रोबेबल पोर्टेबिलिटी, दैट इज दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। देखिए पोर्टेबिलिटी आपको ये चीज़ देखिए यहाँ पे दीजिएगा फीचर्स ऑफ पोर्टेबिलिटी, यानी कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको आप एक जगह से प्रोग्राम को रन करा के आप अपनी पेन ड्राइव में किसी वीडियो चीज़ में रख के दूसरे कंप्यूटर में अगर आप वहाँ पे आप लगाते हो तो वहाँ भी वो प्रोग्राम रन करेगा। तो आपका प्रोग्राम पोर्टेबल हो इस चीज़ को ध्यान में रख के हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की गई है। और ये कंप्यूटर इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने बताया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं आप तो दूसरे कंप्यूटर में भी प्रोग्राम वही ले जाएंगे तो रन करेगा, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में संभव नहीं है, ये केवल हाई लेवल लैंग्वेज में ही संभव है। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज सो इट इज़ इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए ये जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, यानी कि आप जो प्रोग्राम करते हैं सी लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, ये सब जो है आपका इंग्लिश में आप लिखते हो, 0-1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो, इंग्लिश में लिखते हो, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करता है तो फिर वो मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। आप केवल डायरेक्टली जो है हाई लेवल लैंग्वेज से जुड़ते हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है व्हाइल प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज द प्रोग्रामर इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ लो लेवल लैंग्वेज डिटेल, यानी कि आप जब हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको लो लेवल डिटेल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज में वो सब इंग्लिश के फॉर्म में है, इंग्लिश वर्ड यूज हो रहे हैं, तो आप वहाँ से ही अपने प्रॉब्लम पे फोकस करिए। देखिए नीचे लिखे हैं सो व्हाइल अटेंशन पेड टू द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड, यानी कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में ये चीज़ नहीं होता है, वहाँ पे आपको 0 और 1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग करना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल के विषय में बात करते हैं, तो यहाँ फॉर्ट्रॉन है, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है। तो ये रहा हाई लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज डिटेल। और इसके बाद एक आता है ट्रांसलेटर। अब इसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई तो होना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए। तो ट्रांसलेटर, वी नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज विच इज इन बाइनरी 1 और 0। देखिए इसका मतलब है हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। और द कोड रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो आपका प्रोग्राम है वो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो या लो लेवल लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट होना चाहिए, आपका प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट होना चाहिए मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए आपका प्रोग्राम। और ट्रांसलेटर क्या है, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप ट्रांसलेटर व्हाट इज ट्रांसलेटर, तो ट्रांसलेटर आर जस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि ट्रांसलेटर जो है एक प्रोग्राम है जो कि
विच एक्सेप्ट ए प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एज आउटपुट। यानी कि जो कि एक प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में हो या लो लेवल लैंग्वेज में, वो एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसी प्रोग्राम को एज ए आउटपुट मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही काम होता है ट्रांसलेटर का। यानी कि सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर इज जस्ट ये प्रोग्राम एंड इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू टू लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे बेसिकली तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं। फर्स्ट है आपका असेंबलर और सेकंड है आपका कंपाइलर और थर्ड है आपका इंटरप्रेटर। ये तीन है आपके, देखिए असेंबलर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। असेंबलर जो है कोड को कन्वर्ट करने के लिए, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर यूज्ड कन्वर्ट द कोड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि इसको कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये भी एक ट्रांसलेटर हैं, इनका भी यूज जो है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का होता है। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम काम करते हैं, सेम चीज़ को जैसे ट्रांसलेटर हैं, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, इट चेक्स द होल प्रोग्राम ऑफ ए टाइम एंड गिव्स द लिस्ट ऑफ एरर। आप सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किए होंगे या फिर करेंगे तो आप देखेंगे कि जब कंपाइलर जो सी लैंग्वेज यूज होता है वो प्रोग्राम को एक बार में चेक करेगा, आप रन करेंगे प्रोग्राम को वो चेक करेगा, उसके बाद आपको एरर की लिस्ट देगा लास्ट में रन करने के बाद मिलेगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, ये जो है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है या फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करेगा, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा, अगर वो एररलेस है तो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर अगला स्टेटमेंट स्टार्ट करेगा चेक करना। अगर वो उसमें एरर है आपके स्टेटमेंट में तो वो काम नहीं करेगा, वहीं पर रुक जाएगा वो। ये तो हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के डिफरेंस ये हैं। और कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर, सीधी सी बात है कि कंपाइलर जो है एक बार प्रोग्राम को चेक करता है, लिस्ट दे देता है, और इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन चेक करेगा तो टाइम लगेगा तो उसे स्लो काम करेगा, और कंपाइलर ही